हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए ब्लॉग में। सो गाइस, हम यहाँ पे हम आए थे यहाँ खदान में, तो हमको यहाँ एक चीज़ दिखा जो कि हम लोग घूमने के लिए आए थे। तो यहाँ पे देखिए, पत्थर काट रहे हैं यहाँ पे। ये जो पत्थर जो है ना, इसको कैसे निकाल रहे हैं, ये रहा। तो ये जो है ना, पूरा चट्टान था, समझे ना, पूरा खदान ही था। अब चारों तरफ देखिएगा तो काम करने वाले, और समझिए कि एक खदान था, चट्टान था, तो उसी को काट करके इस तरह से गड्ढा बनाया गया है। और इतना बड़ा बड़ा पत्थर निकाला जा रहा है, देख रहे हैं। और अब देख सकते हैं इसको कैसे लोग निकालते हैं, और ये औजार देख सकते हैं आप, ये रहा। इस तरह से लगाया जाता है, ये देखिए, ये इसको छेनी बोला जाता है, सब्बल है, हथौड़ी है। तो काफ़ी काफ़ी सारा चीज़ है जो कि निकाला जाता है। तो आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से पत्थर को निकाला जाता है, देख लीजिए। देख रहे हैं, एक तरीका भी होता है मारने का। अगर हम सब मारे तो इसका जो घाना में जो है ना, मतलब इस टाइप से नोकीला बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ये रहा। तो इसके कारण जो है थोड़ा सा अच्छा से वो होता है। और काफ़ी सारा औजार है यहाँ पे, छेनी है, छोटा छेनी, बड़ा छेनी, सभी तरह का छेनी है, आप देख सकते हैं। कभी कभी टूट भी जाता है। ये है मेहनत का कमाई, जानते हैं जिसे कहते हैं ना, खून और पसीना बहाना, असली खून पसीना का पैसा ही है, देख सकते हैं। और एक पत्थर काटने में जानते हैं कितना मिलता है, एक पत्थर काटने में 4 रुपये मिलता है। अब बताइए कि बाबा बता रहे हैं कि दिन भर में कितना पत्थर काट देते हैं बाबा, 150-200 काटते, 150-200 ना, बाबा बता रहे हैं कि 150-200 रुपया मतलब पत्थर काटते हैं। मान लीजिए 200, तो 200 के हिसाब से आप 4 रुपया को भागा इंटू कीजिएगा, 4 × 200 तो कितना हो रहा है आपका, 4 × 40 और आपका 80 रुपये है, 800, वही 800 रुपया होता है। तो मतलब दिन भर का खटना है, और ज़रूरी नहीं कि आपका 200 पीस ही निकले, समझे ना, कभी 100 पीस भी निकलता है, कभी 50 पीस भी निकलता है। तो समझ जाइए कि, और इस तरह से मेहनत करना, और अभी तो चलिए ठंडा है इसलिए थोड़ा सा अच्छा भी लगता होगा, लेकिन गर्मी का दिन में यहाँ सूरज का तापमान अलग, प्लस पत्थर का तापमान अलग, पत्थर धीपता होगा अलग से, पूरा एकदम पूरा गर्म हो जाता होगा, पूरा बहुत ज़्यादा धीपता है ना, बहुत आप लोगों को परेशानी नहीं होता है, होता है लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी होता है ना, और आँख उख में नहीं लगता है छिटक के, लगता है कभी, तो चश्मा का यूज क्या ही नहीं करते हैं, चश्मा से उठा है ना, इसको मारने में थोड़ा दिक्कत होता है, मतलब दिखेगा नहीं ना। हाँ, अगर मान लीजिए गॉगल्स पहनते हैं ना, तो ये जो छेनी जो है ना, इसको मारने के लिए लोगों को थोड़ा दिक्कत पड़ेगा,
समझे ना, गाना चलाया जाता है इसलिए मजबूरी में चश्मा नहीं पहनते, आँख सब में पड़ता है, जाहिर सी बात है पत्थर है चिंगारी तो पड़ेगा ही। नहीं ये वाला जो ऐसे रख के और इसको हैमर से मारने से ना उस टाइम दिक्कत होता है। अच्छा ये छोटा वाला को ना, अच्छा ये छोटा वाला को खोद के और इसमें लगा के और इसको मारना है तभी टूटता है। तभी टूटता है ना। और चश्मा में तो आपको बराबर नहीं दिखेगा का? हाँ उतना नहीं दिखेगा, जिसका आदत है वही देख पाएगा, वही कर पाएगा ना। तो बहुत दिक्कत होता है क्या? बहुत दिक्कत है, समझिए कि सही कहा गया, असली खून कहते हैं ना कि खून पसीना का कमाई, रियल में ये है खून पसीना का कमाई, रियल में ये है। अब धूप का समय में अगर आप ज़्यादा नहीं आधा घंटा अगर आप धूप में अगर खड़ा हो जाए तो लगता है कि प्राण निकल जा रहा है। सोचिए दिन भर यहाँ पे घाना चलाना, समझे ना, हथौड़ी मारना प्लस पत्थर को पकड़ना धूप के समय में, कितना परेशानी उठाना पड़ता है। और प्लस यहाँ आँख में लग गया, शरीर में लग गया, वो अलग की बात है, लेकिन क्या कीजिएगा, पेट पेट क्या क्या नहीं करवाता है। देखिए इतना बड़ा बड़ा पत्थर को अकेले कर रहे हैं बाबा, इसमें कोई साथ नहीं। ये मत समझिए कि आपको यहाँ कोई साथ देने आएगा, आओ थोड़ा पकड़ दो, ये कर दो कर दो, कुछ नहीं। बड़ा बड़ा पत्थर को खुद से हटाना है, खुद से तोड़ना है, खुद से हटाना है, खुद से तोड़ना है। और ये जो है ना बहुत बड़ा यहाँ पे था, बहुत बड़ा, आप देख सकते हैं, आपको हम जूम करके दिखा दे रहे हैं, समझे ना, चारों तरफ आपको हम पूरा जूम करके दिखाए हैं, समझे ना, पूरा जूम करके दिखाए हैं। बहुत बड़ा है जो कि यहाँ से काफी लोगों का रोजगार भी होता है। इसको मार के इसको लगाइएगा ना। हाँ ये लगा करेंगे। देखिए वो गड्ढा होगा, प्रोसेस देखिए, पहला उसको गड्ढा किया जाता है, गड्ढा करने के बाद उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है आप देखिएगा ना। उसके बाद ये सेकेंड बार में ये जाता है छोटा वाला, सेकेंड में छोटा जाता है, फर्स्ट में इससे होता है, सेकेंड में उससे होता है, उसके बाद इसको टाइट करने के लिए इसको दिया जाता है। अब ये तीसरा में ये गया, देख लीजिए, बहुत मेहनत का भी काम है, और जरूरी नहीं कि इसमें आप ताकत ही लगाइए, इसमें दिमाग से भी काम होता है। हाँ, अगर इसको अगर आप नहीं जान रहे हैं ना तो लग के बेहाल हो जाइएगा, पैर हाथ में लगिएगा अलग, मुंह कान में पत्थर छिटकेगा अलग की बात है, प्लस आपका आँख खराब होगा अलग की बात है। किसको इसको इसको भी करने के लिए ये लास्ट में लगता है, ये देखिए इस तरह से लगाया जाता है। अब इसको पीटा जाएगा, आप देख लीजिए इस तरह से पीटा जाता है, यही कारण है बहुत छोटा सा है ना, इसीलिए चश्मा विशेष कर नहीं लगाया जाता है। देख लीजिए, देखिए 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 फूटा ना, किस तरह से फूटा, ये है, ये अलग हो गया। ताकत का भी इस्तेमाल है, दिमाग का इस्तेमाल है, मतलब सब चीज काम यहाँ होगा, शरीर का भी काम होता है, दिमाग का भी काम होता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो गाइस हमको देखें तो यहाँ पे आप देखिएगा तो पत्थर, ये बनाया हुआ पत्थर है इधर है, उसके बाद ये बाबा बना रहे हैं उसका ये है, उसके बाद आपको चारों तरफ दिखेगा जो बनाया हुआ पत्थर है, और मेहनत है, समझे ना। सो गाइस वीडियो आपको कैसे लगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी को बाय बाय।